हेलो फ्रेंड्स, टेक्निकल पॉइंट गुरुजी चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है वीएमवेयर वर्क स्टेशन। इसको हम कैसे इंस्टॉल करेंगे और इसको कैसे अपग्रेड करेंगे। तो सबसे पहले हमें वीएमवेयर सॉफ्टवेयर चाहिएगा, तो उसके लिए हम इसको डाउनलोड करेंगे। तो मैंने ये पहले ओपन कर रखा है। आप इसको ओपन करने के लिए www.vmware.com पे इंटर करेंगे तो आपका ये पेज ओपन हो जाएगा। इसके बाद आप डाउनलोड में जाएंगे। डाउनलोड में आपके पास ऑप्शन है फ्री प्रोडक्ट ट्रायल्स एंड डेमो में जाने के बाद वर्क स्टेशन प्रो पे क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करने के बाद आपको जो भी इसका लेटेस्ट वर्जन होगा वो मिलेगा। और आप फिर इसमें दो ऑप्शन दिए हुए हैं, एक लिनक्स के लिए और एक विंडोज़ के लिए। हमें विंडोज़ का चाहिए तो हम विंडोज़ वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते ही डाउनलोड नाउ पे तो ये फाइल सेव करने के लिए बोलेगा कि कहाँ फाइल सेव करनी है। तो दोस्तों, मैंने ये फाइल डाउनलोड कर ली है और ये मेरे पास है। तो इससे पहले, ये तो न्यू वर्जन है, इससे पहले हमें डाउनग्रेड वर्जन चाहिएगा ताकि मैं आपको अपग्रेड भी इसमें दिखा सकूं। तो इसके लिए मेरे पास एक डाउनग्रेड सॉफ्टवेयर है वीएमवेयर का 15.0.0 और न्यू वन है 15.5.2। तो सबसे पहले हम इंस्टॉल करेंगे 15 वाला वीएमवेयर वर्क स्टेशन सॉफ्टवेयर। तो मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ। डबल क्लिक करने पे ये लॉन्चिंग के लिए कह रहा है कि सॉफ्टवेयर लॉन्च होगा इंस्टॉलेशन के लिए, तो यहाँ पे यस करेंगे तो ये स्टार्ट हो गई हमारी इंस्टॉलेशन वीएमवेयर की। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट स्टार्ट होगा। तो ये हमारा ऑप्शन ओपन होके आ गया है। अब इस ऑप्शन में हम नेक्स्ट करेंगे। इसमें आगे पूछा है कि ये लाइसेंस है, इसको एग्रीमेंट है, लाइसेंस है, इसको एक्सेप्ट करेंगे, टिक करके यहाँ नेक्स्ट। इस ऑप्शन में इंस्टॉल टू कि ये कहाँ पे इंस्टॉल होगा उसकी लोकेशन दी हुई है, तो हम इसको बाय डिफ़ॉल्ट रहने देते हैं। ये सी ड्राइव में सेव होगा, प्रोग्राम फाइल में। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट इंस्टॉल। ये हमारी इसमें फाइलें कॉपी हो रही है, ये थोड़ा सा टाइम लेगा और ये इंस्टॉल हो जाएगा। ये हमारा आइकन बन के डेस्कटॉप पे आ गया वीएमवेयर वर्क स्टेशन का। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे दो ऑप्शन आ गए हैं, एक फिनिश का और एक लाइसेंस का। यदि आपने इसको परचेज करना है या परचेज कर चुके हैं तो आप लाइसेंस पे क्लिक करके इसमें लाइसेंस डाल सकते हैं। यदि आपने नहीं करना, आपके पास लाइसेंस नहीं है, तो आप यहाँ पर फिनिश करेंगे, क्योंकि हम एक ट्रायल वर्जन अभी डाउनलोड कर रहे हैं। यदि आपको इसको फुली करना है तो आपको इसके लिए लाइसेंस खरीदना होगा या परचेज करना होगा। ठीक है, ये हमारा इंस्टॉल हो गया है। अब हम इसको ओपन करते हैं। ठीक है, ये हमारा वीएमवेयर का जो डैशबोर्ड है वो रेडी होके आ गया है। और इसमें हमें वार्निंग भी दे रहा है कि ये हमारा 30 डेज के लिए है और इसमें लाइसेंस डालने के लिए यहीं पर ऑप्शन दे रहा है। तो अभी तो हमारे पास लाइसेंस है नहीं, तो हम इसको एज ए ट्रायल बेस पे यूज़ करते हैं। ओके, तो हमारा इसमें सेकंड पार्ट है कि इसको अपग्रेड कैसे करें। तो इसमें अपग्रेड करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है। एक तो इसी में सॉफ्टवेयर से ही आप हेल्प में जाके और सॉफ्टवेयर अपडेट कर सकते हैं। और सेकेंडली, जो हमने नया वर्जन आपको अभी बताया था कि आप वेबसाइट पर जाके जो 15.5 है उसको डाउनलोड करके उसको इंस्टॉल करना होगा, तो उसमें भी ऑप्शन आता है कि आपको अपग्रेड करना। चलो हम दोनों ही ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पे हेल्प में जाएंगे, सॉफ्टवेयर अपडेट। जैसे ही हमने इस पर क्लिक किया, इस पर मिडल पॉइंट वाला ऑप्शन है चेक फॉर अपडेट्स, इस पर क्लिक करेंगे तो इसके नया जो भी वर्जन होगा
वो उसको ढूंढेगा और हमें बताएगा कि इससे अपग्रेड वर्जन ये है। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, अभी इसको चेक करने देते हैं। ओके, तो यहाँ पे अवेलेबल है वीएमवेयर वर्क स्टेशन प्रो वर्जन 15.5.2। तो ये हमने पहले ही डाउनलोड कर रखा है, तो यहाँ से ना करके हम जो डाउनलोड फाइल है वहाँ से कर लेते हैं। तो एक ऑप्शन तो आपका ये हो गया। सेकंड ऑप्शन मैं आपको और दिखा देता हूँ अभी, इसको मैं मिनिमाइज या अभी कट कर देता हूँ। ओके, तो अभी जो फाइल हमने डाउनलोड कर रखी है मेरे पास ये यहाँ पे है, ये वर्जन है आप देख सकते हैं। तो इस पर मैं डबल क्लिक करूँगा। यस, इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ। ओके, अब इसमें हमारे पास सेम ऑप्शन रहेंगे जैसा हमने पिछले वर्जन में किया था इंस्टॉलेशन के टाइम पे। इसमें सिर्फ फर्क देख लेते हैं अभी क्या होगा। अभी नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट एक्सेप्ट एग्रीमेंट, नेक्स्ट सेम लोकेशन बताई हुई है इसमें, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। यहाँ पे हमारे पास था पहले इंस्टॉल का ऑप्शन, अब हमारे पास आ रहा है अपग्रेड का ऑप्शन। तो दोस्तों इसमें यही एक डिफरेंस था कि वो पहले हमने इंस्टॉल किया है, अब हमें करना अपग्रेड। तो इसको हम अभी अपग्रेड करते हैं। अपग्रेड, तो जो हमारा पुराना वर्जन था वो अपग्रेड होके 15.5 हो जाएगा। ये देखिए हमारा डेस्कटॉप पे जो आइकन था वो भी एक बार रिमूव हो चुका है क्योंकि वो अभी अपडेट हो रहा है, तो फाइलों को वो अभी अपग्रेड कर रहा है। ओके दोस्तों, ये हमारे पास ऑप्शन आ गया। अब वही सेम कि आपके पास लाइसेंस है तो लाइसेंस डालिए, अदरवाइज फिनिश, वो हमारा ट्रायल बेस पे चला जाएगा। तो मैं इसको फिनिश कर देता हूँ। ये हमारा फिनिश हो गई है इंस्टॉलेशन। अब इसको ओपन करके देखते हैं, हम इस पर डबल क्लिक करते हैं। डबल क्लिक करने के बाद हमारे पास ये ऑप्शन आपके पास सामने अपियर हो जाता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़, यदि आपको अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।